नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत आप सबका एक बार फिर अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम प्रयास एंट्रेंस एग्जाम जो कि इस बार डिसाइडेड हो गया है, डेट उसका 5 नवंबर को रखा गया है, जिसमें सभी प्रतिभागियों के द्वारा मुझे बहुत सारा कमेंट्स आया है कि सर कुछ नए वीडियोस के साथ आप हमें गाइडलाइन दें ताकि हमारा प्रिपरेशन हो सके और एंट्रेंस एग्जाम में हम बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। यह बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा, देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, साइंस से हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद सोशल साइंस के भी क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो इन्हें गर्म कर नर्म नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए थर्मोप्लास्टिक, ऑप्शन बी थर्मोसेटिंग, ऑप्शन सी पॉलिएस्टर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए तथा बी दोनों, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों ही अम्ल वर्षा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से किस धातु में तन्यता का गुण सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी लोहा। तो सबसे अधिक तन्यता वाला धातु है ऑप्शन नंबर बी सोना। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्न में से कौन कार्बन का रूप है। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी काजल, ऑप्शन डी सभी। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कार्बन के रूप है हीरा कोयला और काजल, तीनों ही उनके रूप हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव, कोशिका के केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्वाइनिंग रॉबर्ट क्नाइन, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट वीक। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन एवं वसा। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर सेवन, अवतल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए अपसरित लेंस, ऑप्शन बी अभिसरित लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस, ऑप्शन डी अभिसारी लेंस। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर एट, स्वस्थ आंख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 26 सेंटीमीटर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ आंख के लिए 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर नाइन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पराश्रव्य ध्वनि को कौन सुन सकता है। ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी चमगादड़, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बी तथा सी दोनों, चमगादड़ और कुत्ता दोनों ही पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर टेन, समुद्र की गहराई मापने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी
ध्वनि परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि परावर्तन। आपने सुना होगा सोनार सिस्टम के द्वारा समुद्र की गहराई हम माप सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा द्रव्य विद्युत का कुचालक होता है? ऑप्शन ए नींबू का रस, ऑप्शन बी सिरका, ऑप्शन सी शुद्ध जल, ऑप्शन डी तालाब का जल। तो सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध जल। क्वेश्चन नंबर 12, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा गैस पाया जाता है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मीथेन। मीथेन गैस जो कि दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, अर्थात गोबर गैस में भी ये गैस मुख्यतः पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सोलर कुकर की भीतरी दीवारें किस रंग की होती है? ऑप्शन ए सफेद, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी हरा। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी काला। काला कलर होने के कारण, क्योंकि अपन जानते हैं जो काला रंग है वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए उसको काला कलर का रखा जाता है ताकि जल्दी से जो भी अपन खाना बना रहे हैं सोलर कुकर में वो गर्म हो जाए और खाना तैयार हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तरबूज खरबूज ककड़ी किस प्रकार के फसल हैं? ऑप्शन ए रबी फसल, ऑप्शन बी खरीफ फसल, ऑप्शन सी जायद फसल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी जायद फसल। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसे कृषि मित्र के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मेढक, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी पक्षी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केचुआ। केचुआ को किसान के मित्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा रोग हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी टीवी, ऑप्शन सी सिकलिन, ऑप्शन डी खसरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एड्स। क्वेश्चन नंबर 17, हसियाकार लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती है? ऑप्शन ए सिकल सेल रोगी, ऑप्शन बी टीबी रोगी, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी टेटनस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिकल सेल रोगी। क्वेश्चन नंबर 18, पुरुषों में गुण सूत्रों की संख्या है? ऑप्शन ए 22 जोड़े प्लस एक्स एक्स वन जोड़ा, ऑप्शन बी 22 जोड़े प्लस एक्स वाई एक जोड़ा, ऑप्शन सी 22 जोड़े प्लस एक्स एक्स वाई एक जोड़ा, 22 जोड़े प्लस एक्स वाई वाई एक जोड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22 जोड़े प्लस एक्स वाई एक जोड़ा। ये पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 19, वह पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है कहलाता है? ऑप्शन ए आकाशगंगा, ऑप्शन बी उल्का पिंड, ऑप्शन सी उपग्रह, ऑप्शन डी धूमकेतु। इसका राइट आंसर है ग्रह की परिक्रमा करने वाले को कहते हैं उपग्रह, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बनता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था साइंस का। अब हम देखेंगे सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन। प्रयास के एंट्रेंस एग्जाम में भी साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे और सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे। मैंने सिलेबस बना दिए हैं क्या क्या टॉपिक रहेगा, उसके आधार पर आप मेरा पिछला सारा वीडियो देख सकते हैं। करीबन 100 वीडियोस प्रयास के लिए डले हुए हैं जो आप बारी बारी से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें पूरा मैथ्स का भी कॉन्सेप्ट, साइंस का भी कॉन्सेप्ट, हिंदी इंग्लिश संस्कृत सोशल साइंस सब का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराया है। चलिए देखते हैं सोशल साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। भारत में कानून निर्माण के लिए सर्वोच्च संस्था है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी संसद।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद। ये कानून बनाने की भारत में सर्वोच्च संस्था है। इसी के अंतर्गत आपका लोकसभा, राज्यसभा ये आते हैं। एक चीज और मैं आपको क्लियर करा दूं कि जितने भी मेरे पुराने वीडियोस हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो कृपया उन्हें जरूर देख लें ताकि आपका प्रयास का एंट्रेंस एग्जाम बेहद अच्छे से जाए और आपका सिलेक्शन प्रयास आवासीय विद्यालय में इस बार हो जाए। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू। भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी शिवनाथ, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महानदी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो लोग अतीत में किए गए चीजों का अध्ययन करते हैं उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए जीवविज्ञानी, ऑप्शन बी भूविज्ञानी, ऑप्शन सी पुरातत्वविद, ऑप्शन नंबर डी चिकित्सक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फाइव, राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत कहलाती है? ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन बी बालू, ऑप्शन सी चट्टान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मृदा। क्वेश्चन नंबर सेवन, काला सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी अभ्रक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर एट, कृषि निम्न में से किस आर्थिक क्रिया में शामिल है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्रिया, ऑप्शन बी द्वितीय क्रिया, ऑप्शन सी तृतीय क्रिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर नाइन, अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सेरिकल्चर, ऑप्शन बी पिसिकल्चर, ऑप्शन सी विटीकल्चर, ऑप्शन डी हार्टिकल्चर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विटीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शहीद वीर नारायण सिंह, ऑप्शन बी हनुमान सिंह, ऑप्शन सी पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन नंबर डी दुर्गा प्रसाद। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हनुमान सिंह। क्वेश्चन नंबर 11, किस व्यक्ति ने विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी पंडिता रमाबाई, ऑप्शन डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। सो इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए नारायण राव मेघावले, ऑप्शन बी विद्याचरण शुक्ल, ऑप्शन सी बंसीधर पांडे, ऑप्शन नंबर डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पंडित सुंदरलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ के गांधी। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान 2020 में भारत में कुल राज्यों की संख्या है? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 30। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 28। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश सरकार के अंतिम गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर डी वॉरेन हेस्टिंग्स। सो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन।
क्वेश्चन नंबर 15, छत्तीसगढ़ का प्रयाग तीर्थ कहा जाता है, ऑप्शन ए चंद्रपुर, ऑप्शन बी बारसूर, ऑप्शन सी राजिम, ऑप्शन नंबर डी डोंगरगढ़। तो प्रयाग तीर्थ के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी राजिम। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की संख्या है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 6। क्वेश्चन नंबर 17, सरकार को खालिस्तान से धन प्राप्त होता है, ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी कर, ऑप्शन सी बजट, ऑप्शन डी निर्यात। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत और पाकिस्तान निर्माण की योजना प्रस्तुत की गई, ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1914, ऑप्शन नंबर डी 1915। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1914। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं, ऑप्शन ए 191, ऑप्शन बी 192, ऑप्शन सी 193, ऑप्शन नंबर डी 190। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1993। ये रहे सोशल साइंस के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप सब के लिए मेरे द्वारा बनाया गया है, इसका प्रिपरेशन करें आप लोग। अब हम इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं। डिड यू अप्लाई फिल इन द ब्लैंक्स दिस पास्ट, सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन, ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी ऑफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर। क्वेश्चन नंबर 2, यू शुड टेक केयर फिल इन द ब्लैंक्स योर हेल्थ, सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन, ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी टू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑफ। क्वेश्चन नंबर 3, ही इज रिच फिल इन द ब्लैंक्स ही इज नॉट हैप्पी, सप्लाई द करेक्ट कंजक्शन, ऑप्शन ए येट, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी बिकॉज, ऑप्शन डी बट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बट। क्वेश्चन नंबर 4, वर्क हार्ड फिल इन द ब्लैंक्स यू विल फेल, सप्लाई द करेक्ट कंजक्शन, ऑप्शन ए और, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी बिकॉज, ऑप्शन डी बट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और। क्वेश्चन नंबर 5, द चाइल्ड फिल इन द ब्लैंक्स फॉर 2 आवर्स, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑप्शन ए हैज बीन स्लीपिंग, ऑप्शन बी हैव बीन स्लीपिंग, ऑप्शन सी हैज स्लेप्ट, ऑप्शन डी विल स्लीप। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हैज बीन स्लीपिंग। क्वेश्चन नंबर 6, द मैन आर वर्किंग देयर खालिस्तान आर एट होम, ऑप्शन ए वाइफ, ऑप्शन बी हस्बैंड्स, ऑप्शन सी हस्बैंड, ऑप्शन डी वाइफ्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्सन हु प्रेजेंट अ रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम, ऑप्शन ए डायरेक्टर, ऑप्शन बी एक्ट्रेस, ऑप्शन सी एक्टर, ऑप्शन डी एंकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एंकर। क्वेश्चन नंबर 8, पिक द जेंडर ऑफ लैड, ऑप्शन ए लॉस, ऑप्शन बी क्वीन, ऑप्शन सी वुमेन, ऑप्शन डी डैम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द जेंडर ऑफ फॉक्स, ऑप्शन ए फिली, ऑप्शन बी गोश, ऑप्शन सी विथ,
ऑप्शन डी विक्षण. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, विक्षण. क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हर क्लास. ऑप्शन ए यू, ऑप्शन बी दे, ऑप्शन सी ही, ऑप्शन डी शी. राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शी. क्वेश्चन नंबर 11, ऑल द कैंडिडेट शुड ब्रिंग फिल इन द ब्लैंक्स आवर पेन. ऑप्शन ए एवरीवन, ऑप्शन बी दे, ऑप्शन सी नोबडी, ऑप्शन डी देयर. राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी देयर. क्वेश्चन नंबर 12, एक्सपीरियंस इज द फिल इन द ब्लैंक्स टीचर. ऑप्शन ए बेटर, ऑप्शन बी गुड, ऑप्शन सी बेस्ट, ऑप्शन डी ग्रेट. ऑप्शन नंबर सी बेस्ट इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स अ ब्यूटीफुल सीन इट इज. ऑप्शन ए व्हाट, ऑप्शन बी हाउ, ऑप्शन सी ऑलवेज, ऑप्शन डी नेवर. राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए व्हाट. क्वेश्चन नंबर 14, विच इज नॉट करेक्ट स्पेल. इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन को आपको देखने हैं और उसमें से जो करेक्ट स्पेल अर्थात करेक्ट स्पेलिंग नहीं है वो आपको राइट आंसर टिक करने हैं. तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गवर्नर जो लिखा है उसका स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है. राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स गर्ल हु कम यस्टरडे. सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ आर्टिकल. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नन. राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द. क्वेश्चन नंबर 16, यू आर वॉकिंग, चूज द करेक्ट टेंस. ऑप्शन ए सिंपल पास्ट टेंस, ऑप्शन बी सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऑप्शन सी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ऑप्शन डी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. क्वेश्चन नंबर 17, विल यू हैव फिल इन द ब्लैंक्स मोर टी. ऑप्शन ए एनी, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी अ, ऑप्शन डी द. राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सम. क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18, सी इज नॉट इंटेलिजेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग. ऑप्शन ए इज सी, ऑप्शन बी इज ही, ऑप्शन सी इज दे, ऑप्शन डी इट दे. राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज सी. क्वेश्चन नंबर 19, फिल इन द ब्लैंक्स यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस. ऑप्शन ए अनलेस, ऑप्शन बी इफ, ऑप्शन सी नेवर, ऑप्शन डी दिस. सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इफ. क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स विल द ट्रेन अराइव. ऑप्शन ए हु, ऑप्शन बी व्हेन, ऑप्शन सी व्हाट, ऑप्शन डी विच. राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी व्हेन. सो ये इंग्लिश के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए. हिंदी के 10 क्वेश्चन देखिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है. ऑप्शन ए सुधा, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी अमीय, ऑप्शन डी सुधा छुधा. सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी छुधा. क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी गहराई ना मापी जा सके के लिए एक शब्द है. ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी अथाह, ऑप्शन सी अगम, ऑप्शन डी असम. राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अथाह. क्वेश्चन नंबर 3, 25 में कौन सा समास है. ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुब्री समास. राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द्वंद समास. क्वेश्चन नंबर 4, घुमक्कड़ में प्रत्यय है. ऑप्शन ए घूम, ऑप्शन बी अक्कड़, ऑप्शन सी घूमक, ऑप्शन डी कोई नहीं. राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अक्कड़. क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है. ऑप्शन ए श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ऑप्शन बी चार वेदों का नाम बताओ, ऑप्शन सी
मैं आपका दर्शन करने आया हूं। ऑप्शन डी, प्रत्येक वृक्ष फल देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक वृक्ष फल देता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शब्द उभयलिंग शब्द नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी मंत्री, ऑप्शन डी पुलिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मंत्री। क्वेश्चन नंबर 7, राम बहुत धीरे धीरे पढ़ता है वाक्य में विशेषण है। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी बहुत, ऑप्शन सी धीरे धीरे, ऑप्शन डी पढ़ता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 8, दयानंद का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए दयाधनंद, ऑप्शन बी दयाधन आनंद, ऑप्शन सी दयाधनंद, ऑप्शन डी दयाधनंद। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दयाधन आनंद। क्वेश्चन नंबर 9, हनुमान की पूछ में लगन ना पाई आग, लंका सिगरी जल गए गए निशाचर भाग, उपयुक्त वाक्यांश में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी स्लैश, ऑप्शन सी मानवीकरण, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अतिशयोक्ति। क्वेश्चन नंबर 10, अशुद्धि वर्तनी की पहचान कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी का पहचान करना है, आप चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो इस प्रकार हिंदी के भी क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। अब देखते हैं हम संस्कृत के क्वेश्चन, जो कि इसके भी 10 क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन, नवरत्रम में समास है। ऑप्शन ए द्वंद समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्विगु। तो नवरत्नम मतलब संख्यावाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 2, 16 को संस्कृत में लिखेंगे। ऑप्शन ए षट, ऑप्शन बी षट्विंशतिः, ऑप्शन सी षड्शः, ऑप्शन डी षष्ठ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी षट्विंशतिः। क्वेश्चन नंबर 3, दिक्पाला में संधि है। ऑप्शन ए यणस्वर संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 4, दीपावल्या उत्सव फिल इन द ब्लैंक्स भवती है। ऑप्शन ए मई, ऑप्शन बी जनवरी, ऑप्शन सी अगस्त, ऑप्शन डी नवंबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नवंबर, क्योंकि दीपावली नवंबर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, परोपकाराय खालिस्थान विभूतयः। ऑप्शन ए सत्यम, ऑप्शन बी परोपकार, ऑप्शन सी सताम, ऑप्शन डी दयावान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सताम। क्वेश्चन नंबर 6, योगः कर्मसु कौशलम का अर्थ है। ऑप्शन ए योग के कारण कर्म में कुशलता आती है, ऑप्शन बी कर्मों में कुशलता ही योग है, ऑप्शन सी कुशलता ही कर्म है, ऑप्शन डी योग कर्म में कुशलता लाती है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्मों में कुशलता ही योग है। क्वेश्चन नंबर 7, मूलम शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए मूल, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी मंत्र, ऑप्शन डी प्राणी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जड़। क्वेश्चन नंबर 8, लब धातु का लट लकार आत्मने पद मध्यम पुरुष द्विवचन। ऑप्शन ए लभेते, ऑप्शन बी लब्धवे, ऑप्शन सी लभन्ते, ऑप्शन डी लभे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लभेते। क्वेश्चन नंबर 9, द्विषष्टी एक वचन। ऑप्शन ए द्वै, ऑप्शन बी द्वे, ऑप्शन सी द्वाभ्याम, ऑप्शन डी द्वेय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्वे। क्वेश्चन नंबर 10, अस्माकं देशे कति ऋत्वः भवन्ति। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6। फ्रेंड्स, अब हम मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है प्रयास के एग्जाम के लिए। अब देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके पूरे सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूं, पूरा सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। ओके, और जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने कराए हैं, वे सारे क्वेश्चंस के लिए जो आंसर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उन वीडियो को जरूर देखिए,
ताकि आपको वो आंसर्स क्लियर हो सके, और हमने उन सारे वीडियो में अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर दिया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मैथ्स का। यदि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 119 हो तो x प्लस 1 अपॉन x का मान होगा। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 117। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 11। क्वेश्चन नंबर 2, किसी बहुभुज क्षेत्र के समस्त अंतः कोणों का योग का मान कितना होता है? ऑप्शन ए n प्लस 2 इंटू 180, ऑप्शन बी n माइनस 2 इंटू 180, ऑप्शन सी n इंटू 2 इंटू 180, ऑप्शन नंबर डी n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 180। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी n माइनस 2 इंटू 180। क्वेश्चन नंबर 3, वृत्त की सबसे लंबी जीवा होता है? ऑप्शन ए अर्धव्यास, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी परिधि, ऑप्शन डी त्रिज्या। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यास। क्वेश्चन नंबर 4, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इनका प्रत्येक अंतः कोण 165 अंश का हो। ऑप्शन है 24, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन नंबर डी 33। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 24। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 सो ऑन के बराबर होगा। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3। क्वेश्चन नंबर 6, दो भिन्नों का योग 7/8 है यदि उसमें से एक भिन्न 1/4 है तो दूसरा भिन्न होगा। ऑप्शन ए 6/8, ऑप्शन बी 5/8, ऑप्शन सी 3/8, ऑप्शन नंबर डी 9/8। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5/8। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक वर्ग का कर्ण 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए 50 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 75 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 100 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 150 वर्ग सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 50 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति अपनी दो साइकिलें 920 रुपए प्रत्येक की दर से बेचकर एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि प्राप्त करता है तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है? ऑप्शन ए 1% की हानि, ऑप्शन बी 1% का लाभ, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर 1% की हानि। जब भी सेम परसेंट इंक्रीमेंट होगा और डिक्रीमेंट होगा तो हमेशा याद रखिएगा हानि ही होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1352 को गुणा करने पर एक गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 13। क्वेश्चन नंबर 10, एक 320 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है एक खंभे को कितने देर में पार करेगी? ऑप्शन ए 20 सेकेंड, ऑप्शन बी 16 सेकेंड, ऑप्शन सी 18 सेकेंड, ऑप्शन डी 36 सेकेंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 16 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, 3200 रुपए पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 42.08, ऑप्शन बी 44.08, ऑप्शन सी 46.08, ऑप्शन डी 48.08। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 46.08। क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक चतुर्भुज के चारों कोण का अनुपात क्रमशः 1:2:3:4 है तो सबसे बड़े कोण का मान होगा? ऑप्शन ए 36 अंश, ऑप्शन बी 144 अंश, ऑप्शन सी 180 अंश, ऑप्शन डी 270 अंश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 144 अंश। क्वेश्चन नंबर 13, यूलर संबंध कहते हैं, तो इसके ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए।
v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू टू। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू थ्री एक्स माइनस फाइव वाई का मान ज्ञात कीजिए। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 9x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 3y स्क्वायर, ऑप्शन बी 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 5y क्यूब, ऑप्शन नंबर सी 6x स्क्वायर प्लस 25xy प्लस 3y स्क्वायर, ऑप्शन डी 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर y प्लस 9xy स्क्वायर माइनस 5y क्यूब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, दो अंकी संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है, अंकों को उलटने से प्राप्त नवीन संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 57, ऑप्शन डी 84। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 57। क्वेश्चन नंबर 16, एक 7 मीटर गहरा और 2 मीटर व्यास का कुआं खोदने के लिए कितनी क्यूबिक मीटर मिट्टी खोदनी पड़ेगी। ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन नंबर डी 14। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 22। क्वेश्चन नंबर 17, एक बेलन में कितने सतह होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो बेलन में जनरली 2 ही सतह होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 12, 19, 28, 39, 52 सो ऑन अगली संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 67 और ऑप्शन नंबर डी 68। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 67। क्वेश्चन नंबर 19, टू दी पावर एन इज इक्वल टू 64 में एन का मान होगा। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 6। क्वेश्चन नंबर 20, 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10। तो ये रहे मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन जो कि आपके प्रयास एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, लोगों तक शेयर करें और यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल, ताकि नए अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।